फ्रेंड्स, वेलकम टू यूफामोटो व्लॉग्स। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कावासाकी निंजा 300 के बारे में। ये एक टू सिलेंडर बाइक है और इस सेगमेंट में, इस रेट में इससे पावरफुल बाइक आपको नहीं मिलेगी। और जो इसकी फ्यूल टैंक है वो नॉर्मल बाइक से 300 सीसी सेगमेंट में काफ़ी अच्छा है। नॉर्मली जो हमें डोमिनार होती है और बाइक है उसमें आपका 13-15 लीटर का मिलता है, इसका 21 लीटर का टैंक आपको मिलेगा। और बात करें अगर हम इसके लुक की, स्टाइल की, तो सबसे ज़्यादा स्पोर्टी लुक है। तो चलिए इसके बारे में बाकी डिटेल्स अभी देखते हैं। कावासाकी निंजा 300 आपको लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक पैरेलल ट्विन इंजन के साथ मिलती है। इसकी जो इंजन डिस्प्लेसमेंट है वो 296 सीसी की है। इसमें आपको जो मैक्सिमम पावर मिलती है वो 39 पीएस की मिलती है 11,000 आरपीएम पे। इस बाइक का मैक्सिमम जो टॉर्क है वो 26.1 एनएम का है 10,000 आरपीएम पर। इसका जो बोर है और जो स्ट्रोक है, बोर जो है इसका 62 एमएम का मिलता है इसमें, और जो स्ट्रोक है इसमें वो 49 एमएम के मिलते हैं। ये टू सिलेंडर बाइक है, इसमें आपको 4 वाल पर सिलेंडर मिलते हैं। इसमें आपको ओडोमीटर और स्पीडोमीटर डिजिटल मिलेगा और जो टैकोमीटर है वो एनालॉग मिलता है। स्टैंड अलार्म, लो फ्यूल इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर इसमें आपको मिलता है। इस बाइक की टॉप स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर की है। इसमें आपको हीट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, फोर्स्ड लुब्रिकेशन, वेट सम्प, कैलिपर फ्रंट एंड रियर, ड्यूल पिस्टन, रैंक 27 डिग्री ट्रेल 93 mm, ये इसमें आपको एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। LED टेल लाइट मिलती है इसमें, टर्न सिग्नल लैंप LED भी रहेंगे इसमें आपके। इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिल जाता है, 4.5 लीटर का इसका रिजर्व है, स्लीपर क्लच के साथ ही आती है। अगर इसकी बात करें हम डिस्क की, इसमें आपको जो फ्रंट डिस्क मिलती है वो 290 mm की मिलती है और जो इसमें रियर डिस्क है वो आपकी 220 mm की रहने वाली है। फ्रंट 2 पिस्टन, रियर 2 पिस्टन कैलिपर के साथ ये है और इसमें आपके 17 इंच के अलॉय इसमें आपको मिलते हैं। अभी ईशांत भाई जी बाइक ड्राइव कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद ईशांत भाई को हम अपनी डोमिनार दे देंगे और इस बाइक की निंजा 300 की हम टेस्ट ड्राइव लेंगे। चलिए चला के देखते हैं अभी। तो भाई ये बाइक भी चलाई और वो वाली भी बाइक चलाई है, तो इसमें अभी वाइब्रेशन नाम की चीज़ नहीं है इस बाइक में, जो कि उसमें थोड़ा बहुत हाई आरपीएम पे फील होता है। पावर पिकअप के मामले में इस सेगमेंट में बहुत बढ़िया है और कोई अगर इसको चलाएगा तो बहुत बहुत बढ़िया रिफाइन बाइक है ये। वो फील है कि भाई वो वाइब्रेशन हाथ में जो फील होती है और चीज़ों में होती है वो नहीं है। तो कोई भी अगर ले इस सेगमेंट में तो 300 ले सकता है, बहुत अच्छा है। कई की बाइकें दोनों बेस्ट हैं, एक ऑप्शन आप इसको भी ले सकते हैं अगर थोड़ी स्पोर्टी लुक चाहिए है और स्पोर्ट्स मॉडल बाइक आप देख रहे हैं तो इसमें आप जा सकते हैं इस सेगमेंट में। हाँ तो चलो भाई अब चलते हैं घर की तरफ और बाकी शाम को आपको पूरी वीडियो को दिखाते हैं एडिट करके कैसा क्या रहेगा। और ये भाई के चैनल को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब साइलेंट किलर राव के नाम से और इंस्टा पे भाई से ये रहा भाई हमारा यहाँ पे। तो चलो चलते हैं। और ये 2 सब्सक्राइबर हमारे आगे जाते हुए हमारी ये सारी टेंशन ना ले, चलो 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 भाई ठीक है, टाटा भाई भाई। तो चलिए हम भी अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा इस बारे में हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के या आपको